जो चमन है सबसे हसी चमन, मैं उसी चमन का नसीब हूँ। मुझे फख्र क्यों ना हो बुलबुलों, मुझे फख्र है कि मैं अलीग हूँ। दोस्तों हेलो दोस्तों, मिरिसू पिक्चर्स की टीम हम आ गए हैं अलीगढ़ शहर में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक शहर है अलीगढ़। मैं भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन हमारे वक्त में तो खैर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, और सिविल का क्या हाल है? कॉन्क्रीट वगैरह सब बराबर है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। चलो तो हम क्वेश्चन शुरू करें। तो दोस्तों आप दोनों मिलकर जवाब दे सकते हैं, ठीक है? जिसके छोटा सा, आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग के हैं, एक मकान है जी, एक कमरा है, उस कमरे को कंप्लीट करने के लिए, उस कमरे को कंप्लीट करने के लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत होती है? 200 हैं तो बहुत होंगे, 1000-5000 जितनी एक दीवार में लगती है उससे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। डिप्लोमेटिक आंसर, मतलब एकदम तैयार बैठा, डिपेंड करता है। अमम यहां ऐसे कैसे पूछ लिया? कोई फिक्स नहीं है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। मतलब होती तो 4 दीवारें हैं, बस वो दीवार की साइज के ऊपर डिपेंड होती है। ये तो दीवार का डाल याद आ गया यार, 4 दीवार। कुछ नहीं समझा जरा, रफली आईडिया 400 अभी नहीं। ये ईंट से मकान बनवाएंगे नहीं, पहली मुंडी हिला रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा 1000 कमरे के लिए, कमरे हम बनवा रहे हैं, 4000 बनवाएंगे। सही बात है। तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? मैकेनिकल इंजीनियर गाइस, हम वही उसको देखेंगे कि कितना एरिया है उसका और कितनी उसमें एस्टिमेट लगा के लगाएंगे कि कितना इसमें आएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब एमयू के बच्चों से एक चीज़ है, कुछ किसी टॉपिक पे दे दो, बोलने के लिए दे दो, तो उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन काम की इन्फॉर्मेशन एक भी नहीं होगी। लेकिन आजू बाजू जो भूमिका बांधते हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से बांधते हैं। रूम कितना बड़ा होगा? ये सामने वाला जो है ना एसी जिसमें लगा हुआ है, ये सिंडिकेट बैंक वाला। आप कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिमाग कुछ लगा सकते हैं आप इसमें? हाँ, अगर आपको एक 2-story रूम बनाना है तो अप्रोक्सीमेटली आप 6 lakh ले सकते हैं। यार बताओ कोई, मतलब सच्ची सच्ची बात बताना। हाँ, मैं अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ। हाँ यार, तुम इतना डिटेल में बात बताई दे रहा हो दोस्त। तुम्हारे घर पे कोई ईंट का वो तो नहीं है ना, मतलब वो चिमनी चलाते हैं ऐसा कुछ लिंक तो नहीं है ना? इतना एक्यूरेट तुम बता रहे हो, अप्रोक्स 6 lakh। नहीं मैंने अपना दूसरा घर बनते हुए देखा है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन है। चलो बहुत फोकस है बंदा, ये बहुत फोकस्ड है। हाँ तो आपसे बात करते हैं सिविल इंजीनियर, उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नहीं वो पता चलना चाहिए ना कि इंसान अगर ज़्यादा खर्च करता है तो 9 inch की दीवार बनवाएगा, ज़्यादा ईंट लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तंजू से तो 4 inch की लगाएगा। तो सही है। ये फिर से एक उंगली दिखा रहे हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, मेरा जवाब बस यही होने वाला है, पूछ लो। सबका मालिक है। बिल्कुल। आई थिंक इतने ईंटों की जरूरत पड़ सकती है, आई डोंट नो। कुछ तो आइडिया, रफली आइडिया। ऐसा नहीं उतनी ईंटें मैं आपसे मांगने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्या लगता है आपको? ओनली वन। कैसे? बिकॉज कंप्लीट करने के लिए लास्ट ईंट जो यूज होती है वही कंप्लीट करती है घर को। मुझे लगता है ये मेरा भाई जो है ना, जहाँ से हमने क्वेश्चन बैंक निकाला ना, वो क्वेश्चन बैंक इसको पहले ही मिल चुका है। चलो रहने के लिए आप लोग को बता दूं, आंसर इज ओनली वन। ओनली वन, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लास्ट जो ईट रखी हुई होगी कंप्लीट करने के लिए, एक ही ईट रखी हुई हो ना, कुछ और ना हो ना हो, ये लॉन्डन ने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया भाई, जोरदार तालियां हो जाए, वेरी गुड। आप बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इस भाई के लिए, ये बता देगा पक्का। ओके सुनो 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 सुनो, एक 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 पर्सन है, तुम उसके भाई हो, लेकिन वो तुम्हारा भाई नहीं है। एक मिनट, उधर देखो उधर देखो, ये रिश्ते मुझे समझ नहीं आते भाई। भाई मेरा रिश्तों के मामले में बहुत कच्चा है ना। बिल्कुल। क्या वो बहन है उसकी? बहन हो सकती है। अरे भैंस की, तू भाई नहीं है, तू भाई नहीं है, हमें भूल गया। ओके ओके, एक बार आसान सा क्वेश्चन, एक एक वर्ड इंग्लिश का YES, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यस, वेरी गुड। उसके आगे ई लगा दीजिए, फिर कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई और YES, ई और YES, ईस, ईस, यस यस या, पता नहीं। उसके आगे ई जोड़ दो, फिर यस 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 ऑब्वियसली यस यस यस
ये भाई बहुत इंटेलिजेंट है, देखो ये दिमाग में मल्टीपल कैलकुलेशन चल रहा है इसके। और कुछ कुछ दिमाग में सोचिए। इलेक्ट्रॉनिक यस, इलेक्ट्रॉनिक यस, इलेक्ट्रॉनिक यस, काफी टेक्निकल जवाब था, इलेक्ट्रॉनिक यस। अगर आई यस बोलते तो इंटेलिजेंट यस, सी यस बोलते तो कंप्यूटराइज्ड यस, मतलब क्या एग्जैजरेशन है, वेरी नाइस। वैसे इसका अंदर है आईज, आंख। मतलब ई को पूरा निचोड़ मारो फिर यस। वैसे इसका आंसर है आईज। अरे यार ओके ओके राइट ना, ओके हमारा क्वेश्चन आंसर आउट खत्म होता है। नवाजी शामिर, ये गिटार जो है आपने किस लिए लिया है, मतलब गिटार बजाने के पर्पज से लिया है या लड़की पटाने के पर्पज से लिया है? नहीं, बजाने के पर्पज से लिया है। बट ये भी तो हो सकता है बजाते बजाते कोई लड़की पट जाए। नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप नहीं होने दोगे? क्यों भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम है लड़कियों से कुछ? नहीं, अभी पढ़ाई भी करनी है, लड़कियां आ जाती फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। ओ तो हमारे मृशु पिक्चर्स के दर्शकों के लिए आप कुछ बजाएंगे? जी चलिए ठीक है, आइए सुनते हैं नवाजिश आमिर। बनाती है जो तू समझा ले मेरे कब तक चले, नहीं मैं तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर तो जाने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम दे, देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं, न जाने क्या बताएं हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता, ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। थैंक यू।